तो दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं निलेश, आपका राजपुताना बाइकर, और था सबने राम राम। और फिर से अब हम निकल चुके हैं एक खूबसूरत सी राइड की तलाश में। और यस, अभी हम है कामत रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। टाइम हो रहा है अब 8:10 हो रहे हैं, और ब्रेकफास्ट करके अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो इसी के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं और छत्रपति शिवराय का नाम लेते हैं, और अपनी राइड को जो है वो स्टार्ट करते हैं। कल इसका एक्चुअली मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन टाइम नहीं था। तो स्टोरी में, अगर आप जो इंस्टाग्राम पे हो उनको पता होगा, इसका मैंने स्टोरी डाल दिया था। एंड यस, अपना ये नया राइनॉक्स का नेविगेटर टेल बैग और टैंक बैग तो अपना जो है वही है। एंड यस, चेतक इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। तो बाकी की बातें अब आगे देखते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है 5:15, और हम पीछे चाय पी रहे थे वहाँ पर, और कुछ फ़ोटोशूट चल रहे थे। और अब हमारा प्लान है एक टेंपल या फिर कुछ अट्रैक्शन है वहाँ पर देखने जाने के लिए। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या देखने के लिए मिलेगा, और कुछ इंटरेस्टिंग ड्रोन शॉट्स भी आपके लिए लिए हैं। अब हम कुछ 8-10 बाइक निकाल के, जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ मैं वहाँ पर जाने वाले, सब लोग मज़े कर रहे हैं। एक्चुअली हम पहुँचने वाले थे 4-5, लेकिन पहुँच गए दोस्तों जल्दी, 2 पहुँच गए। 2 एक्चुअली मतलब 13-14 किलोमीटर पहले पहुँचे थे जहाँ पे हमने लंच किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर आए। 1 वहाँ पर हमने टाइम पास किया, और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे 3:00, और 3:00 से फिर चेंज करना और वो सब उसमें टाइम लग गया। और ये सब देख सकते हो, ये है हमारी सामने बाइक्स पार्किंग की हुई, ये है, और फिर यहाँ पे कुछ सामने है। अपने पास गैजेट्स की कोई कमी नहीं है, ग्रुप पे हमारे 360 भी है, दो ड्रोन्स भी है दोनों। एक मेरे पास Mini 2 है, एक अपना सुशील भाई का Mini 3 है। तो यस, ड्रोन की भी कमी नहीं है, इवन Insta 360 की भी। और यस, GoPro से तो हम व्लॉग कर ही रहे हैं, और iPhone अपना है ही रेगुलर। तो चलिए अब चलते हैं उस लोकेशन पे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं एक खूबसूरत से पठार की चढ़ाई करने, जो मैं आपको बता रहा था। और यस, ये जो जगह है वो है भोलेनाथ का पुराना टेंपल। देख सकते हो आप सामने ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, कैमरा में आपको इतना दिखेगा नहीं, बट यस, आपका भाई राजपुताना बाइकर आपको ड्रोन शॉट्स ज़रूर दिखाएगा। तो पहले चढ़ लेते हैं, फिर हम भगवान के दर्शन करके फिर ड्रोन उड़ाएंगे। और हमारी जो मंडली है आप देख सकते हो, ये भी सामने है, सब जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर ही। One eternity later. दोस्तों यस, पहुंच गए ऊपर, और ये हैं हमारे भोलेनाथ, जो कि ऊपर चढ़ के बैठे हैं। हर हर महादेव, जय नंदी भगवान की। और ये शिवलिंग जो आप देख सकते हो, ये बहुत प्राचीन है, मुझे नहीं पता कितना, बट है। और यस, इसी के साथ आप भी कहिए हर हर महादेव, प्रभु के दर्शन दीजिए। और अब हम भी यहाँ से निकलते हैं, तो एक बार फिर से आइए साथ में बोलते हैं हर हर महादेव।
150 रुपया। तो यहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय राशन वितरण का संग्रहण किया जा रहा है मिस्टर यश के द्वारा, और कार्तिक भाई ने आशीर्वाद दिया इसको। तो अभी आज ये महीने का राशन हो गया आपका। The next morning. ये है अपना डे टू, सुबह हो रही है, ठंडा माहौल है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से एक्चुअल कास्ट प्लाटू, बाइक्स पीछे कोल स्टार्ट हो रही है, अपनी कोल स्टार्ट हो गई है, और मैंने इंसा 360 भी माउंट कर लिया है, ड्रोन अपन ने कैरी कर लिया है, और यस तो अब वहाँ पर जाकर देखेंगे एक्चुअल क्या है कास्ट प्लाटू की खासियत। यस दोस्तों, पहुँच गए हैं कास्ट प्लाटू की पार्किंग में, पीछे देख रहे हो ये पार्किंग है, मैंने मेरी चेतक जो है वहाँ पर लगा दी है, एंड ये सब चाय पी के फिर सीधे निकलेंगे अपने मेन लोकेशन की तरफ, और जो कि है कास्ट प्लाटू। तो हम पार्किंग से सीधा यहाँ पर आ गए, कास्ट प्लाटू की जो पार्किंग आपको लास्ट टाइम मैंने बताई थी, अभी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ से सीधा ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे। तो ये है दोस्तों कास्ट लेक, और अपनी चेतक वहाँ पर पार्क की है मैंने, और यस चेतक के भी फोटोज़ ले लिए अच्छे खासे, ड्रोन शॉट्स तो आपने देख लिए होंगे या अभी डालने वाला हूँ, अभी देख लो इसके बाद। और यस वेदर की अगर बात करें दोस्तों, तो वेदर है अभी 26 डिग्रीज, चिल है, 8:30 बज रहे हैं, तो यस प्लेजेंट है, और लेक साइड और ऐसी जगह पर अगर प्लेजेंट वेदर हो तो ही मज़ा आता है यार, बिकॉज क्या है ना, फिर धूप के बाद आपको भी पता है वो इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, और फिर गर्मी भी इतनी बढ़ जाती है यार कि आप प्रॉपरली एंजॉय नहीं कर पाओगे ऐसी सीनरीज को, ब्यूटी को। तो यस दैट्स ऑल। जो है वो फोटोज ड्रोन शॉट्स निकालने में मस्त है हमारे सारे मोटो ऑनर्स, और हम भी वही कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से सीधा जाते हैं मेन कास्ट प्लाटू की तरफ। ही बस पीछे आप देख रहे हो, बस से उतर के अब हम आए हैं यहाँ पर कास्ट प्लाटू। बाइक जहाँ से हमने पार्क की थी वहाँ से आपको पकड़नी है बस, और वो आपको छोड़ेगी ये 2 किलोमीटर, 1.5 का या 2 किलोमीटर के आसपास ही है ये गेट, पीछे ये दिख रहा है आपको यहाँ से, और ये गेट पर छोड़ने के बाद यहाँ से हमारा जो कास्ट प्लाटू का एक्चुअल टेरिटरी है वो स्टार्ट होगा। यस देखते हैं अभी कितने फ्लावर्स बचे हैं और क्या देखने के लिए मिलता है यार। दोस्तों आपको अगर कास पठार के पॉइंट और दर्शन की और जानकारी लेनी है तो ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दोस्तों ये है कास प्लाटू, और यहाँ पर फ्लावर्स तो है नहीं यार, आप देख सकते हो पीछे पूरे कहीं पर भी नहीं है इतने, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहे थे हमें, यहाँ पर एक आंटी बैठी थी उन्होंने बताया कि ये पूरा भरा हुआ था फ्लावर से, बट अभी नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब गर्मी चाहिए थी तब बारिश हो रही थी, और फिर जब बारिश चाहिए थी तब यहाँ पर अचानक अभी लास्ट वीक गर्मी पड़ने लग गई, तो उसकी वजह से ये जो है पूरा अभी क्लियर हो गया है, इतना कुछ है नहीं। और यस ड्रोन उड़ाया था हमने यहाँ पर, बट वो भी लैंड करना पड़ा, बिकॉज़ ये बोल रहे हैं यहाँ पर ड्रोन के लिए परमिशन मिलेगी भी नहीं, अलाउड भी नहीं है फ्लाई करना, सो ड्रोन क्लिप्स हम ले नहीं पाएंगे वैसे, और वैसे भी शायद देखने के लिए कुछ था नहीं यार, अगर ड्रोन उड़ाता भी तो यस, बिकॉज फ्लावर्स वगैरह कुछ है नहीं। तो फिर चलिए अब यहाँ से पैकअप हो रहा है, सीधा जाएंगे अपन रिजॉर्ट के पास, और वहाँ से फिर घर पर निकलने के लिए अपनी पैकिंग जो है वो स्टार्ट होगी ब्रेकफास्ट के बाद, और फिर सीधा लंच के लिए रुकेंगे।